दिल्ली के सबसे बड़े मेट्रो स्टेशनों में शुमार राजीव चौक पर एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। मेट्रो स्टेशन पर लोगों की आंखें उस वक्त शर्म से झुक गई जब स्टेशन पर लगे LED पर अचानक पॉर्न वीडियो चलने लगा। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर स्थिति उस समय बेहद असहज हो गई जब वहां लगी एक LED पर पॉर्न क्लिप चलने लगी। यह घटना 9 अप्रैल की बताई जा रही है। हर रोज की तरह दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मेट्रो का इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी वक्त स्टेशन पर विज्ञापन के लिए लगाई गई एक स्क्रीन पर पॉर्न क्लिप चलने लगी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। DMRC के मुताबिक हाल ही में कुछ मेट्रो स्टेशन पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। निजी कंपनी को टेंडर देकर इन स्क्रीन पर विज्ञापन और DMRC के एड चलते हैं। इनका कंट्रोल भी निजी कंपनी के जिम्मे होता है। ये वीडियो कैसे चला इसकी जांच की जा रही है। वहीं अब इस मामले की जांच के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक कमेटी भी बनाई है। तो अब मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2013 में भी एक वाकया सामने आया था। तब DMRC और CISF दोनों ने ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब देखना होगा कि इस मामले में कोई कार्रवाई होती है या नहीं। देखते रहिए DB Live।